करें जीएस रसोई चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधा चोपड़ा, जीएस रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी मीठा करेला, जो कि पहाड़ी इलाके में होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कैंसर को ये दूर करता है और ब्लड की कमी को दूर करता है, लीवर को ठीक करता है। आमतौर पर लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, आज हम इसका पकोड़ा बनाएंगे, स्टफ पकोड़ा, कि जो कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और बहुत अच्छा खाने में स्वादिष्ट बनता है। मीठा करेला बनाने के लिए हमें सब्जी चाहिए। सबसे पहले मीठा करेला, आलू उबला हुआ, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, प्याज कटे हुए, बेसन, नमक, चावल का आटा और अमचूर, लाल मिर्ची और ऑयल। सबसे पहले हम करेले को इस तरह से कट करेंगे और इनके अंदर से बीज को निकाल देंगे। अब हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके अंदर मिलाएंगे प्याज, धनिया पत्ती और हरी मिर्ची स्वाद अनुसार, नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्ची, इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से हम करेलों के अंदर ये स्टफिंग को भर देंगे। अब हमने करेलों को जो ऐसे भर लिया है इसकी स्टफिंग पूरी। अब इसके लिए हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, जिससे कि ये पकौड़ा जो है क्रिस्प हो जाएगा। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची पाउडर, पानी डाल के इसके अंदर अभी हमारा घोल बनके मिक्सर बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम पकोड़ा बनाएंगे। इसका सबसे पहले हम गैस को ऑन करके तेल को गरम करेंगे। हम थोड़ा सा इसमें बेसन डाल के देख लेंगे कि ये हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। अब हमारा तेल जो है गरम हो चुका है। करेले को इसमें बेसन में डिप करेंगे और एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। करेला स्टफ किया हुआ बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको बहुत नामों से पुकारते हैं, जैसे मीठा करेला, राम करेला, पकौड़ा, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। कि हमारे पहाड़ी स्टफ करेले के पकोड़े बनके तैयार हो गया है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उसे लाइक और शेयर करें और जीएस रसोई को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।